उत्तपम बनाने के लिए एक कटोरी सूजी लें, फिर इसमें डालें दही और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा सा डालें पानी। और इसको ढक के फूलने के लिए रख देंगे हम 15 मिनट के लिए। अब तब तक इसके लिए हम प्याज टमाटर काट लेते हैं। इसको हमने ढक दिया और सूजी को फुलाए। 10 मिनट हो गया है, मैंने इसमें और पानी डाला था, ठीक हो गया था, तो थोड़े से और पानी इसको डाल के इसको थोड़ा सा पतला कर लूँगी। उसके बाद डालूँगी इसमें नमक, तो स्वाद अनुसार आप नमक ऐड करें। और ये टमाटर प्याज हमारे कट गए हैं, तो ये और मिर्च, बच्चों को खाना नहीं तो मिर्च डाल रही हूँ, अगर बच्चे खाते हैं तो मिर्च नहीं डालती हूँ। एक प्याज बारीक कटा हुआ और एक टमाटर बारीक कटा हुआ। आप चाहें तो इसमें मटर, शिमला मिर्च और गाजर भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक तवा लिया, उस पर डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल और इसको अच्छे से गर्म करके चारों तरफ मिला लेंगे। और उसके बाद से डालेंगे हम ये उत्तपम का बैटर। तो ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है इसको, इकट्ठा डाल के फिर इसको थोड़ा चम्मच से फैला लेंगे हम। ऑयल अच्छे से लगा होना चाहिए और तवा अच्छे से गर्म भी होना चाहिए, तभी अच्छे से बनेगा उत्तपम, नहीं तो ये टूट जाता है पलटते टाइम। और इसको हम ढक देंगे ताकि अच्छे से पक जाए। और अब इसको हम पलट लेंगे, देख सकते हैं ऊपर से भी अच्छे से हो गया है। और इस साइड भी ढक देंगे कि पक जाए। और उत्तपम हमारा रेडी हो गया, तो इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये रहा, ये बनाने में भी इजी है और खाने में भी टेस्टी और हेल्दी दोनों है। पर मेरे बच्चे तो खाएंगे नहीं, वो तो महंगी खा रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है। तो साक्षी के पापा को मैं दे रही हूँ। और ये हमारा उत्तपम बनके रेडी है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।